पोलराइजेशन के अंदर अभी तक हमने क्या किया कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट है कि लाइट की जो जो वाइब्रेशन है वह हर तरफ है, उसको एक एक्सिस में रिस्ट्रिक्ट करना पोलराइजेशन है। ठीक। अब पोलराइजेशन करने का तरीका क्या बताया? हमने कोई मशीन नहीं बनाई, हमने नेचुरल तरीका पढ़ा कि लाइट को कैसे पोलराइज कर सकते हैं, और नेचुरल तरीके में पता लगा कि एक टॉर्मलिन क्रिस्टल एक क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में अगर लाइट को पास कर दें तो लाइट पोलराइज हो जाती है, उसमें हमने कुछ किया नहीं, तो क्रिस्टल है। दूसरा तरीका, लाइट को पोलराइज करने का नेचुरल तरीका स्कैटरिंग है। लाइट जब नेचुरल लाइट स्कैटर होती है, स्कैटर का मतलब बिखरती है, बिखरती है। अब कब बिखरती है? लाइट तब बिखरती है जब लाइट की जो वेवलेंथ है और पार्टिकल का जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो लाइट स्कैटर हो जाती है। तो अगर मान लो लाइट आ रही है ऊपर से नीचे और वो स्कैटर हो जाती है, स्कैटर तो हर तरफ होती है, जब वो स्कैटर होती है अपनी इंटेंसिटी लूज कर देती है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है, एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, लाइट कुछ हद तक पोलराइज हो जाती है, बाई नेचर आई है। अब अगर आप उस लाइट को, लाइट अगर वाई एक्सिस पे आ रही है हर डायरेक्शन में बिखरी, पर अगर आप उसको एक्स में या वाई में देखते हैं, जेड में देखते हैं, यानी कि इसके परपेंडिकुलर देखते हैं, तो लाइट बहुत ज्यादा पोलराइज नजर आएगी। लाइट कभी कभी कंप्लीटली पोलराइज नजर आती है। इसमें हमने कुछ नहीं किया, मैं तो बता रहा हूं कि ऐसा होता है। हम इसके फिनोमिना को मैथमेटिकली या ऐसा क्यों होता है डिस्कस नहीं कर रहे, बस टेक्निक समझ रहे हैं कि अगर स्कैटरिंग से अगर पोलराइजेशन करनी है तो दूसरा तरीका पोलराइजेशन का क्या है? स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से 90 डिग्री पे लाइट को अगर देखा जाए तो आपको पोलराइज नजर आएगी। ये दूसरा मेथड है। ठीक। तीसरा मेथड डिस्कस करते हैं।